हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। तो हम कर रहे थे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस रह गए तो आज उनको हम क्या डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, अ क्लाइंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ फटीग, वेट लॉस एंड अ लो ग्रेड फीवर एंड पेन इन फिंगर्स, एल्बोज एंड एंकल्स। दीज सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ। एक पेशेंट है हमारे पास, उसको क्या कंप्लेंट कर रहा है, फटीग की, थकान की, वेट लॉस की और लो ग्रेड फीवर की, और पेन हो रहा है उसको फिंगर्स में, एल्बो में और एंकल्स में, ठीक है। तो ये सिम्टम्स को देख के हमें क्या अंदाज़ा लगा रहा है कि कौन सी बीमारी उसको हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बोन पेन, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर डी है सिस्टेमिक ल्यूपस अरिथमेटोसस, ठीक है। बोन पेन तो नहीं है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है क्योंकि नोड फॉर्मेशन की कोई हिस्ट्री नहीं दी है, ऑस्टियोफाइट की कोई हिस्ट्री नहीं दी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, हमें पता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विद ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक लेडी है, एक लेडी है, ओल्ड लेडी हमारे पास, वो क्या है, नर्स उसकी क्या केयर कर रही है और उस लेडी को क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो हमने बताना है कि कौन से फैक्ट्स हैं जो सही हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सेप्ट, और कौन सा सही नहीं है वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है क्रेपिटस, ऑप्शन नंबर बी है टॉफी, ऑप्शन नंबर सी है सबक्यूटेनियस नोड्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास पेन ऑन मूविंग द जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही नहीं है क्योंकि टॉफी हमें पता है गाउटी आर्थराइटिस में बनती है, बाकी क्या है, सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्ब है बर्डन नोड्स इज सीन इन, ऑप्शन नंबर ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्डिलोसिस। तो हमें पता है जो है बर्डन नोड है वो क्या, किसका फीचर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, क्योंकि उसी में दो टाइप के नोड बन रहे हैं हमारे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फीवर एंड हेडेक, ऑप्शन नंबर बी है फटीग एंड नाइट स्वेट्स, ऑप्शन नंबर सी है लो बैक पेन, ऑप्शन नंबर डी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो हमें पता है कि जो एंकिलोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो क्या, स्पाइन का जो लार्ज जॉइंट का वो है आर्थराइटिस है वो है ना। तो बाकी सारे सिम्टम्स क्या है, जनरलाइज्ड हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, लो बैक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्क फॉर डेवलपिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मोर इन, ऑप्शन नंबर ए है अ 30 ईयर ओल्ड वुमन, ऑप्शन नंबर बी अ 30 ईयर ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर सी अ 65 ईयर ओल्ड वुमेन, ऑप्शन नंबर डी अ 65 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एजिंग के हिसाब से देखें तो 65 ईयर ओल्ड जो वुमेन है उसमें क्या है, ज़्यादा चांसेस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एज कम्पेयर टू मेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोस्ड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज, ऑप्शन नंबर ए एनएसएड, ऑप्शन नंबर बी ओपियोइड एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर सी लोकल एनास्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो थेरेपी में, स्पेशली मैंने मैनेजमेंट में लिखाया था, तो उसमें क्या है, जो नसेड है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नसेड्स क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ड्रग रहेगी, ठीक है, जो हम क्या देंगे पेशेंट को विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज टू, ऑप्शन नंबर ए टू ट्रीट द डिजीज़ कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन, ऑप्शन नंबर डी टू मेंटेन आरओएम रेंज ऑफ मोशन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हमारा मेन गोल रहता है वो होता है हमारा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्फ्लामेशन की वजह से ही जो डिजीज़ है वो क्या वर्सन होती है और ज़्यादा, तो इन्फ्लामेशन को क्या कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए है एएफपी लेवल, ऑप्शन नंबर बी ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन नंबर सी एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटी सीसीपी,
ऑप्शन नंबर डी है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो बाकी जो ए एफ पी है हमारे यहाँ पे वो क्या करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि अल्फा फिटो प्रोटीन चेक कराने का कोई मतलब नहीं बनता रिमेटाइड अर्थराइटिस में, ESR इन्फेक्शन के लिए करवा सकते हैं ना, एंटी सी सी पी मतलब एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है वो भी करवा सकते हैं, सी आर पी भी क्या है इन्फेक्शन के लिए हम करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करते हैं तो इसको भी करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्रूव विद प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर ए रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर बी SLE, ऑप्शन नंबर डी मायस्थेनिया ग्रेविस। तो कौन सी कंडीशन क्या है इम्प्रूव करती है प्रेगनेंसी को, बाकी क्या न्यूरो की डिजीज़ है, ऑटोम्यून डिजीज़ है, तो एक रूमेटाइड अर्थराइटिस ही यहाँ पे ऑप्शन हमें मुझे ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिक अर्थराइटिस आर, ठीक है इन्फेक्शन से रिलेटेड अर्थराइटिस है, कौन सा पैथोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है हमने। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाय, ऑप्शन नंबर बी स्टेफाइलोकोकाय, ऑप्शन नंबर सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जाएगा क्योंकि तीनों मैंने लिखवाए हुए हैं सारे, है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, लीस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग केयर इन द क्लाइंट विद रूमेटाइड अर्थराइटिस, सबसे कम ध्यान किस चीज़ पे देंगे हम अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास प्रिवेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी, ऑप्शन नंबर बी है मेंटेनिंग यूजुअल वेज ऑफ अकम्पलिशिंग टास्क, ऑप्शन नंबर सी है रिलीविंग पेन, ऑप्शन नंबर डी है प्रिजर्विंग जॉइंट फंक्शन। 3, 5, 7, तो इसमें क्या है जॉइंट की डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है, पेन को रिलीव करना भी ज़रूरी है और जॉइंट का फंक्शन प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है थोड़ा सा क्या है लिस्ट प्रायोरिटी में हम रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग नीड टू बी असेस्ड बाय द नर्स इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु अंडरवेंट स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। क्या असेस करेगी पेशेंट में जिस जो पोस्ट ऑप पेशेंट है और उसकी क्या सर्जरी हुई थी, स्पाइनल की फ्यूजन वाली सर्जरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी सेंसेशन एंड मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी यूरिनरी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी यूरिन आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी पेन लेवल इन पेशेंट। तो पोस्ट ऑप पीरियड में जो हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेंसेशन से रिलेटेड रहेगी कि हम लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या सेंसेशन और मोबिलिटी क्या चेक करेंगे, क्योंकि पेशेंट अभी अभी क्या एनेस्थीसिया से बाहर आया तो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में उसको पेन तो नहीं होगा रिसेंटली, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नसेड ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट अनकॉम्प्लिकेटेड रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़, ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन, बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन नंबर डी इब्रूफिन, ऑप्शन नंबर डी डिक्लोफिनेक सोडियम। उसमें भी लिखवाया है कि ब्रूफिन क्या है नसेड में हम देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन साइड इफेक्ट ऑफ एलोपीरिनोल इज, ऑप्शन नंबर ए मैक्यूलो पॉपुलर रैश, ऑप्शन नंबर बी नेजल कंजेशन, ऑप्शन नंबर सी हेडेक, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोपिनिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा कि एलोपीरिनोल का साइड इफेक्ट क्या आता है, वो क्या करती है मैक्यूलो पॉपुलर रैश क्रिएट करती है बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन ऑफन गेट्स रिलीफ थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन ऑफन गेट रिलीफ थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, ऑप्शन नंबर ए अल्सर, ऑप्शन नंबर बी क्रॉनिक पेन एंड अर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर सी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्रॉनिक पेन एंड अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस के क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गए, बाकी नेट की प्रॉब्लम से क्या है वीडियो अपलोड्स कम हो रही हैं, तो धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको क्या है प्रेस करके रखें।